हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत बड़ी एक न्यूज़ देने वाला हूं, जो कि ये न्यूज़ है गोरखपुर जोन का। देखिए, यहां पे गोरखपुर जोन में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंटल गोरखपुर जोन, और ये नोटिस आई है एक ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि एमईआर जोन से एक नोटिस आई है, और ये इस चीज़ की नोटिस है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज अंडर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC01/2019, यानी कि ये वैकेंसी रिवाइज कर दी गए हैं दिया गया है। जो गोरखपुर जोन का पहले वैकेंसी जो नोटिफिकेशन में दिया गया था कितना सीट किस कैटेगरी में अवेलेबल है, अब उसको फिर दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है और ये नया वैकेंसी टेबल जारी कर दिया गया, और अब इसी वैकेंसी टेबल के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा और पुराना वाला वैकेंसी टेबल के साथ सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसको भूल जाइए। अब ये नया नोटिस जारी कर दिया गया, नया वैकेंसी किस जोन में किस कैटेगरी में कितना सीट है किस। और यहाँ पर सबसे बुरी न्यूज है सिवन मेडिकल स्टैंडर्ड वालों के लिए, क्योंकि सिवन मेडिकल स्टैंडर्ड वालों की पोस्ट देखा जाए तो मतलब बहुत ही कम कर दिया गया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट मिला है सब के बाद। देखो, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसके मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, और ये देखिए यहाँ पे दो एक आता है, एक MCF होता है, एक NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, और ये एक MCF है रायबरेली वाला वही है रायबरेली वाला। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में यूअर कैटेगरी में देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपके, एक मिनट, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यू आर कैटेगरी में 79 सीट है और रायबरेली में 15 सीट है, और उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप में, और उसी तरह देखा जाए तो SC कैटेगरी में 5 सीट है और गोरखपुर में 28 सीट है, और उसी तरह देखा जाए तो 3 सीट है और असिस्टेंट वर्कशॉप का रायबरेली में, और 14 सीट है गोरखपुर में, OBC का 10 और 50। इसी तरह सब कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा आप लोग। और टोटल में बात करें तो टोटल रायबरेली में असिस्टेंट वर्कशॉप की 37 सीट सारी कैटेगरी को मिलाकर, और वहीं बात करें अगर गोरखपुर में तो 190 कैटेगरी है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में, 190 कैटेगरी सीट है टोटल। इसी तरह देखा जाए असिस्टेंट ब्रिज का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, और इसका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, और इसका देखिए 11 सीट यहाँ पर है UR कैटेगरी में, और उसके बाद से 4, उसके बाद 2, उसके बाद 8, और उसके बाद EWS का 3, और टोटल 28 सीट है। तो ये नया वैकेंसी टेबल इसी तरह जारी कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरा दिखा दे रहा हूँ, और इसका PDF का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी आपकी एक भी कम नहीं हुई, जो कि पहले वैकेंसी 4002 थी और इस बार भी वैकेंसी 4002 ही है, अभी भी वैकेंसी एक भी कम नहीं हुई है। बस यही किया गया है कि जिस कैटेगरी का पोस्ट आप लोगों का जरूरत था, डिमांड था, उसको बस रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दोबारा से बांटा गया है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। 4002, उसके बाद से 307 ST कैटेगरी का है, UR का है, ये SC का है, ST का है, OBC का है, टोटल गोरखपुर जोन में इतने सीट हैं। देखिए UR में 1570 सीट है, OBC में सॉरी SC में 615 सीट है, ST में 307 सीट है, और OBC में 1107 सीट है, और ये वाला 403 में बता दे रहा हूँ किस कैटेगरी का है, ये EWS का है, 403 सीट है, EWS की 403 सीट है टोटल, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ से किस कैटेगरी में कितना मिला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही रेलवे की न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।